फिर अमृतसर दी धरती ते कमसान दी लड़ाई हुई, थराज खां मारिया गया, ओदे जेड़े साथी सन जंग छड़ के भज गए, पर उस जगह ते सिखां दे बच्चियां दा बजुर्ग मातावां भैणां दा बहुत नुकसान होया, बड़ी कतलेआम हुई। अखीर भाई मनी सिंह नूं गिरफ्तार किया गया इस दोष ते कि तुसी इजाजत लैण वास्ते टैक्स देना मन्निया सी, ओ 10,000 रुपया तुहानू सरकारी दरबारे जमा करना पेगा। सिख कहिंदे जे इकट्ठ ही नहीं होण दिता गया ते टैक्स किस गल दा, तुसी क्या सी इकट्ठ करो टैक्स दवांगे, असी क्या सी संगत आएगी भेटा आएगी, क्योंकि हिंदुस्तान दी धरती ते औरंगजेब वल्लों एक जजिया कर लागू किया गया सी। जजिया कर दा अर्थ सी कि इस्लाम तो अलावा अगर इस हिंदुस्तान दी धरती ते दूसरा कोई धार्मिक सम्मेलन रखेगा ते उन्हें सरकार दे खजाने विच टैक्स जमा करना पेगा। इजाजत नहीं सी, इजाजतां लैनियां पैंदियां सन। उस इजाजत दे दायरे विच भी सरदार मनी सिंह विचरे, पर अखीर तवारीख ने एक पक्ष पेश किया, वेखो गुरसिखां दी सांझ कैसी बनती है। आपां केवल इतिहास विच सरदार भाई मनी सिंह नूं बंद बंद कट के शहीद किया नहीं, उस जगह ते उस वक्त 17 सिखां दी गिरफ्तारी हुई सी ते 17 सिखां नूं ही बंद बंद कट के शहीद किया गया सी। भाई मनी सिंह, उन्हां दे नाल सरदार जवाहर सिंह, सरदार सुखा सिंह मारियो कंबोकी के पिता सरदार बाला सिंह, इन्हां गुरु के सिखां नूं शहीद किया गया। वेखो पिछोकड़ सांझ भी बड़ी गहरी है। सरदार बाला सिंह, सरदार जवाहर सिंह, सरदार मनी सिंह, ये तीनों गुरु के सिख सन। जदों सरसा नूं कलगियां वाले पातशाह ने पार किया ते ये तीनों माता साहिब कौर ते माता सुंदर कौर जी नाल दिल्ली वल नूं गए सन। अज तीनों शहादत दा जाम पींदे ने। सन 1737 लाहौर दे नकाश चौंक विच 95 साल दे बुजुर्ग भाई मनी सिंह ते उस तों अलावा होर भी गुरु के सिखां नूं शहीद कीता गया। खालसे दा खून खोलिया, दरबार साहिब दी होई बेअदबी दा बदला लैण वास्ते नवाब कपूर सिंह ने ऑर्डर मारिया सारे गुरसिख सिखां नूं कि जिथे हो समय दी सरकार दे खिलाफ बगावत कर दित्ती जावे। इतिहास कहिंदे सन 1737 तों लैके सन 1741 तक 4 साल बाबा दीप सिंह दी अगवाई विच चल रहे तरना दल ने ऐसी मुहिम फतेह कीती कि पंजाब दी धरती ते एक बार केसरी निशान चूलन लग पिया। इस 4 साल दे प्रोजेक्ट विच उस तों बाद फिर जुल्म दी हनेरी वगी। दो चीजां इस दौरान वापरियां ने। पहली, सन 1738 विच नादर शाह आया। जदों हिंदुस्तान दी धरती दे लोकां ने चिट्ठी लेके बुलाया सी, नादर शाह वेखो दुश्मन काबुल होवे ते दुश्मन दी तारीफ भी करनी चाहीदी है। नादर शाह एक गडरिये दा बच्चा है, भेडां चारन वाले दा। भेडां चारन वाले बच्चे ने कुर्सी तक दा सफर तय कीता, डाकू लुटेरा बनिया। जकरिया खान ने चिट्ठी लिखी नादर शाह नूं कि साड़ी दिल्ली ते लाहौर दलबार दी खड़कन लगी सी, क्योंकि शाह आलम दूजा ते जकरिया खान आपस विच अनबन रहिंदी सी। शाह आलम कदी नहीं सी चाहुंदा कि जकरिया खान पावर विच आवे ते जकरिया खान ते शाह आलम दी आपस विच लड़ाई रहिंदी सी। इस लड़ाई दा फायदा उठाउण वास्ते जकरिया खान ने नादर शाह नूं चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी विच लिखिया, हिंदुस्तान दी धरती ते जे तू लुटना चाहुंदे हिंदुस्तान नूं, तेरे रस्ते विच कोई रोड़ा नहीं, मैं तेरा मददगार बनांगा। उन्हें लाहौर तों लुट शुरू कीती, दिल्ली तक लुटिया, 125,000 बंदे नूं कतल कीता, गऊ अगे लाई सी, कोई खड़दा नहीं सी। दिल्ली दी धरती तों 1,32,700 धीआं नूं बंदी बना के वापस लिजा रहा सी। एक गल वेखो, सतलुज ते ब्यास दे विच्चों कोई हमलावर सुक्का नहीं निकल दिता सिखां ने। अज जेड़े लोग 12 बजे दी मजाक करदे ने किते इतिहास पढ़ के वेखो, शर्म नाल नक डोब के मर जाओगे जदों तुहाडे घर दी इज्जत नूं खालसा बचाउंदा सी। ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਨ 1737 ਵਿੱਚ 38 ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੀਲਾ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ
अपनाउन दा एक संदेश दे के क्या सी खालसा जी। नवाब कपूर सिंह नवाब ने उन्हां दी अगवाई सारे मानदे ने, सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया, रामगढ़िया चर सिंह, शुकर चकिया, बुद्ध सिंह, नौत सिंह, ये सारे गुरु के सिख आपो अपने जथियां दे मुकम्मल जथेदार ने। पर जदों बाहरी गल आउंदी सी सारे इकट्ठे हुंदे सन ते उन्हां दी कमांडिंग जिहड़ी सी बाबा दीप सिंह दी अधीनगी विच आउंदी सी। नवाब कपूर सिंह नवाबी दे दायरे विच सन ते जथेदारी दी जिहड़ी गल सी बाबा दीप सिंह ने जदों सतलुज दे दरिया नूं पार कर लगा, बाबा दीप सिंह ने अपने जथे नाल नादर शाह दे टाकरे ते खड़न दा फैसला कीता। ओ जदों अपनी जिंदगी विच दिल्ली तो शुरू होया सी, एना खुश सी कि मेरे सामने कोई नहीं खड़िया, हुण मैं हिंदुस्तान दा बादशाह भी बन सकांगा। पर कमाल दी गल, सतलुज तो शुरू होया, ब्यास तक पहुंचिया। इतिहास कहिंदे बाबा दीप सिंह ते सिखां ने एक भी लड़की ओहदे कोल नहीं रहन दित्ती ते सारा खजाना खो लिया। हुण खाली हाथ है। उन्हां मातावां भैणां ने आवाज मारी सी, आ जिहड़े लफ्ज़ आपां पढ़दे आ, मोड़ी बाबा कछ वालिया, कछ दा अर्थ है कशहरा, मोड़ी बाबा पग वालिया, पग दा अर्थ दस्तार, मोड़ी बाबा डांग वालिया, डांग दा अर्थ है शस्त्र छोटा, रन गई बसरे नूं गई, साडी इज्जत जांदी है कोई नहीं। जिन्हां ने गुट ते रखड़ियां बन्नियां ते क्या भैणा तेरी इज्जत असीं बचावांगे, ओह घरां विच सौ के अपनी जिंदगी बचाउंदे रहे। हिंदुस्तान दियां मातावां भैणां दियां इज्जतां तार तार हुंदियां रहियां। उस आवाज नूं बाबा दीप सिंह ते गुरु के खालसे ने सरवण कीता। उस सारी लड़की नूं अपने खर्चे ते रिहा करा के घरों घर पहुंचाया। वेखो हैरानगी दी गल, जिन्हां दियां धियां नूं बचा के लियाए उन्हां ने धियां प्रवान नहीं कीतियां, ये कह के कि ये मुसलमानां दे रहम खाने विच रह के आईयां ने, पता नहीं की वर्ताव होएगा, इस करके असीं इन्हां नूं प्रवान नहीं करदे। जिन्हां नूं नहीं प्रवान कीता गया घरां विच वापस छड्डण गया, खालसे ने उन्हां नूं अपनियां बच्चियां बनाया, अमृत छका के गुरु कियां सिंगड़ियां जाके जिन्हां दे आनंद कारज होण वाले सन सिखां नाल आनंद कारज कीते। सन 1738 विच इक लड़कियां दी बटालियन तैयार होई जिदे विच 138 सिंगड़ियां सन मैदाने जंग विच जूझण वालियां। इह बटालियन बाबा दीप सिंह दी अधीनगी विच तैयार होई सी। उन्हें लाहौर जाके जरक्रिया खान दे दरबार विच हाजरी भरी, कहिंदे तूं कहिंदा सी रस्ता साफ है पर इत्थे तां कुछ वखरा ही नजर आ रहा है। जिस नादर शाह दे सामने काबुल कंधार तो लैके दिल्ली तक कोई नहीं खड़िया, वापस आउंदिआं उस नादर शाह नूं लुट लिया गया। लुटण वाले कौन सन, कहिंदा मैनूं नहीं पता। रात दे हनेरे विच आउंदे सन, अपना नुकसान कीते बगैर मैनू तबाह करके चले जांदे सन। जिन्ना लुटिया मेरी फौज भी मार छड़ी, मेरे सारे साजो समान नू भी मार छड़िया। इत्थे के मैं आंकड़ा कहना चाहनागा, वेखो जिस धी नू हिंदुस्तान दी धरती तो चुकिया जांदा सी, गजनी दे बाजार विच बरसरे दे इलाके विच मंडी लगदी सी, उस मंडी विच एक टके दी एक हिंदुस्तान दी औरत नू वेच किया जांदा सी। उस दौरान सिखां दे सिरां दे मुल 80 रुपए ने, 5 तोले दा एक सोने दी मोहर इतिहास ने लिखी है, 5 तोला सोना। एक वड्डे हुए सिर दी कीमत 1 करोड़ तो वध है, ते ज्यौंदे दी किन्नी होएगी जे ज्यौंदा तब्दीली करे। अज दे हालात वेखो, 1 लाख रुपया दो पा सारे परिवार नूं केस कतल करा के गुरसिखी तो दूर लिजा सकदे हो। आ हालात ने साडे इन्ने लालची, इन्हां अंदर गुरु दे प्रति विचारधारा तो दूर होना ते घाटा साडा ही है। नादर शाह ने जिहड़ियां उस जगह ते सवाल जवाब होए, मैं उन्हूं कहना जरूर चाहना, क्योंकि जिहड़ी दुश्मन साडी तारीफ कर दे उस तारीफ विच वेखो कहिंदा की है। नादर शाह ने पुछया कौन है, जकरिया खान जवाब दिंदे पंथ प्रकाश मुताबक ये सिख ने। किंदन करदे की ने, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜਾੜਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ
काम की है, किस दी पूजा करते ने? कहिंदे ए मंदरां विच टल नहीं खड़काउंदे, माफ करना कोई अनमत वाला बैठा होवे, दास दा किसे नाल कोई वैर नहीं, पर सिखिज्म दे सिद्धांत विच देवी पूजा वर्जित है, ए मंदरां विच टल नहीं खड़काउंदे। दूसरा एक कबरां दी पूजा नहीं करदे। जकरिया खान नादर शाह नूं कहिंदे ते ध्यान मार के वेखो अपनी डेफिनेशन विच, मेरे ख्याल नाल ते सिख ने कोई कबर नहीं छड्डी होनी। हर जगह ते असी नक रगड़े, हर जगह ते दुश्मन साडी तारीफ करदा, कहिंदे ए सिख बुत प्रस्ती नहीं करदे, ए जगन्नाथ नूं टुंडा कहिंदे ने, बुतां दे सामने जाके नक नहीं रगड़दे, मुरदियां नूं पूजा कर मुरदियां दी पूजा नहीं करदे। उन्हें पुछया करदे की ने, कहण लगे इन्हां दी जिंदगी अंदर इक्को काम है, अपने गुर की छपड़ी नावे छपड़ी अमृतसर साहिब सरोवर, उस छपड़ी विच इशनान करदे ने, नरोए हो जांदे ने। कहिंदा कोई तां मरकज होएगा। उन्हें फिर जवाब दिता, गुर बचनन की इनको आस, यही खजाना सिंघन पास। ये गुरु दे बचना ते खड़े ने, दुश्मन तारीफ करदे। हुण ध्यान मारो, दुश्मन ने तारीफ कीती अपने सज्जन दे सामने, तारीफ कीती खालसे दी ते आखिया ये बुत नहीं पूजदा, ए मड़ी ते जाके कबर ते जाके दीवा नहीं जगाउंदा, ए अकाल दी गल कर दे। ते साड़ी जिंदगी अंदर अकाल दी गल 1% नहीं हुई, असी 99% बुत प्रस्ती कीती ते अज भी कर दे। जिस सिख दी डेफिनेशन दुनिया नाल वक्री सी, उस सिख ने अपनी जिंदगी अंदर किस जगह ते लिया के खड़ा कर दिता। ताई तां मिस्टर मैकालफ दे पुत गौरजीस ने एक गल पेश कीती, ओ कहिंदे मैनू तां इंज लगदे कलगियां वाला भी किते ना किते शर्म महसूस करदा होएगा कि ऐसे गुरु के सिख बनाए जिहड़े सच दी गल करदे सन, अज सच तां किते नजर ही नहीं आउंदा। अपने अंदर नूं पड़चोल के वेखीए। उस नादर शाह ने उत्थे एक भविखबाणी कीती, कहिंदा जकरिया खान इन्हां कोल घर नहीं, घाट नहीं, ताकत नहीं, समर्था नहीं, कुछ नहीं, फिर भी मेरे वर्गे जरनैल नूं मात दे के गए ने, खबरदार हो आउण वाली हिंदुस्तान दी धरती दे बादशाह सिख होणगे। नादर शाह वापस गया। जद वापस गया नादर शाह रात अपने सफारतखाने विच सुता पिया है। एक यूसुफ जादी पठान ने सुते पे नादर शाह ते हमला कीता ते नादर शाह नूं मार दिता गया। एक घटना सन 1742 दी। नादर शाह दी मौत हो गई। नादर शाह दे दरबार विच घा खोदन दा काम करदा सी अहमद शाह अब्दाली दा बाप। जदों उहदे घर अंदर अहमद शाह दा जन्म होया, इस बच्चे नूं नादर शाह दी देख रेख मिली, यह नादर शाह दी फौज में शामिल हो गया। उन्हें पहचान कीती, यह बड़ा टॉप क्लास कमांडर निकलिया। नादर शाह दी मौत तो बाद इनू नादर शाह दी जगह ते स्थान दिता गया, ते ए सोच के स्थान दिता गया कि इन्हें नादर शाह नाल बड़ा समा बतीत किया है, ये नादर शाह दी सोच नूं अगे तुरेगा। अहमद शाह अब्दाली अपनी कमांडिंग तो पहला भी दो वार हिंदुस्तान दी धरती ते आ चुका सी, एक वार नादर शाह दी अगवाई विच, एक वार तैमूर लंग दी अगवाई विच, इन्हां दोनां दी अगवाई विच आ चुका सी। उन्हें पता सी हिंदुस्तान दी धरती ते केड़ा रस्ता है। उन्हें अपने गजनी शहर विच खड़ो के एक ऐलान कीता, जेड़ा काम नादर शाह नहीं कर सकिया वो काम मैं करांगा। सन 1743 विच पहला हमला कीता इन्ने काबल कंधार दे इलाके तो लाहौर दी धरती ते। समय दे जेड़े अहलकार सन, जकरिया खान 4 करोड़ रुपया दे के छुटिया उस वक्त, 4 करोड़। कहिंदे मैनू नवाब रहण दे, कहिंदा रहण देवांगा, इन्ना पैसा देना पएगा। 4 करोड़ रुपया उस वक्त दिता जकरिया खान ने, तां नवाबी मिले। उन्हें अपना डेरा बनाया लाहौर दी धरती नूं, कहिंदे जिन्ना चिर मैं रवांगा। 12,000 फौज लेके आया सी, ते जकरिया खान ने ही अब्दाली नूं चिट्ठी लिखी सी भी तेरा भी रस्ता साफ है, तू भी आ जा। जदों वो वापस आया हिंदुस्तान दी धरती ते, इथों दियां धियां भैणां नूं मुख रखदे सन, बंदी बनाउंदे सन,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਨ 1745 ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਸਨ 1746 ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੱਲੂਕਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਉਹ ਘੱਲੂਕਾਰਾ ਕੌਮ ਦੀ ਬਾਂਹ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਖਰਤਾ ਨਾਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਸਨ 1746 ਨੂੰ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲਖਪਤ ਰਾਏ, ਜਸਪਤ ਰਾਏ, ਕਮਰੂਦੀਨ ਮੀਰ ਆਤਿਸ਼, ਮੀਰ ਮੋਇਨ ਮੁਨਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਯਹੀਆ ਖਾਂ ਤੇ ਪੋਤਰਾ ਸਰਮਦ ਖਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਵਾਨ ਦੇ ਸ਼ੰਭ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਉਸ ਸ਼ੰਭ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਿਕੇ ਸਨ। ਉਸ ਖੰਭ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਮਸਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਸਿਦਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਰਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਾਨੂੰਵਾਨ ਦੇ ਸ਼ੰਭ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਹਾੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਗੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਰਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ, ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਚੱਕਰਵਾਦੀ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ, ਗੋਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚਾਰ ਸਪੇਰੇ ਸਿੰਘ ਲੜਦੇ ਸਨ ਤੇ ਚਾਰ ਸਪੇਰੇ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤਰੇਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ ਤਰੇਲ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਬਕੇ ਬਣ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੋਪਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਚੀਥੜੇ ਉਡਾਏ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਵਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ ਤਰੇਲ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਹਾਰੇ, ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ, ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ। ਤਵਾਰੀਖ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਹਮਲੇ ਤੇ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦੇ ਪੰਜ ਪੰਜ ਸਾਲ, ਦਸ ਦਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਮਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹਨੇਰੀ ਵਗੇਗੀ, ਤੋਪਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣਾ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੌਮ ਦਾ ਉਹ ਯੋਧਾ, ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਸਨ 1746 ਤੱਕ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਕਦੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਜੜਦੇ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਕਾਰਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਛੋਟੇ ਘੱਲੂਕਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਮੀਰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਮੰਨੂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਿੱਖ ਅਡੋਲ ਰਿਹਾ, ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸੋਝੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟ ਸਕਦਾ। ਦਾਸ ਅਕਸਰ ਹਰ ਵਾਰ ਬੋਲਦੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨੇਜਿਆਂ ਤੇ ਟੰਗ ਦੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ,
कट बंद बंद दे पठियां च झोक दे आरियां नू सौंप दे मेरी जवानी सड़ के मेरी जवानी बल के गावेगी इको रागनी की अणख विचे मरन विच जिंद लई सकून है। कोई जुलम कोई सितम सानू चुका सकदा नहीं सानू मिटा सकदा नहीं क्योंकि साडियां रगां विच कलगी धर दा खून है। उस खून नू उजागर करिए बाबा दीप सिंह दा जन्मदिन मनाए कौम दे उस महान जोधे तो सेध लैके सिखी विच परपक होइए गुरमति बोली नू पढ़िए सिखिए किसे ते डिपेंड ना रहिए किसे बुत प्रस्ती ते किसे बाबे ते अपने आप नू उधारत ना करिए साडा ते इष्ट गुरु ग्रंथ साहिब एदे सामने खड़ो के आखिए एको है भाई एको है साहिब मेरा एको है गुरु कृपा करे। सारिया नू बाबा दीप सिंह दे जन्म दिहाड़े दियां बहुत बहुत वधाइयां भुलां दी खिमा धन्नवाद। हुण आप जी दे सामने कविश्री जथा जो विशेष तौर ते